नमस्कार, रेसिपीज विद अनु में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज्यादा टेस्टी मेथी मटर की सब्जी। आप इस तरीके से मेथी की सब्जी बना करके देखिएगा, वो बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी। इतना ज्यादा टेस्टी लगता है कि बच्चे हो या बड़े, सभी बहुत शौक से खाएंगे। ठंडी के दिनों में हरी सब्जी बड़ी आसानी से मिल जाती है, तो ये बेस्ट टाइम होगा मेथी का साग बनाने के लिए। हमने यहाँ पर एक बंडल मेथी ले लिया है, अप्रोक्सीमेटली 300 ग्राम इसका वजन होगा। पहले मेथी को हम अच्छे से साफ कर लेंगे और जो कड़क डंठल है उसको हम फेंक देंगे, और उसके बाद हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसे 3-4 पानी से धो लेंगे जब तक मेथी अच्छे से साफ ना हो जाए। उसके बाद एक कढ़ाई में सारा मेथी को हम ऐड कर देंगे। कढ़ाई को हम ढक देंगे और मेथी को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे जब तक मेथी नरम ना हो जाए, और इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। मेथी का साग हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है, साथ ही आपका ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। विटामिन सी होने के कारण ये आपका इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, और भी कई सारे गुण है मेथी की सब्जी में, तो आप इसे मील में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। 5 से 7 मिनट हो गया है, आप देख सकते हैं मेथी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। इसमें 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। मेथी एकदम सॉफ्ट हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, स्पैचुला या जो भी चम्मच यूज कर रहे हैं उसे हम ऐसे से प्रेस कर देंगे मेथी को। उससे क्या होगा कि मेथी बारीक बारीक कट हो जाएगा, तो मेथी धोने के बाद जो कट करने का मेहनत है वो बच जाता है। यहाँ पर मेथी को ढक कर के हमने 2-3 मिनट और पका लिया। मेथी एकदम सॉफ्ट हो चुका है, अब हम इसे एक प्लेट पर निकालेंगे। मेथी के साग को हम मटर के साथ बनाने वाले हैं, तो हमने यहाँ पर एक प्लेट फ्रेश मटर लिया है। आप चाहे तो फ्रोजन मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें हमने 2 से 3 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। आप तेल का मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं आपके हिसाब से। 7 से 8 बारीक कटी हुई लहसुन को हमने तेल में ऐड करके फ्राई कर देंगे लो फ्लेम पर। 2 मिर्ची हमने कट करके ऐड किया है। लहसुन एकदम हल्का ब्राउन हो जाए उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। तो हमने 7 से 8 छोटा छोटा प्याज था उसको कट कर लिया है बारीक, और उसको ऐड कर दिया है। प्याज डालने के बाद अब फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा, और जैसे ही प्याज हल्का सा कलर चेंज कर दे हम इसमें मटर ऐड कर देंगे, और मटर को नरम होने तक हम पकाएंगे। हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि प्याज तले से जले नहीं। मटर को हम ऐसे प्रेस करके चेक कर लेंगे कि पका है या नहीं। आप देख सकते हैं आसानी से दब रहा है। उस प्याज के साथ इतना ही पकाना है, उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। तो हमने 3 छोटा साइज का टमाटर को कट करके उसको ऐड कर दिया है। टमाटर सॉफ्ट होने तक हमें इसे पकाना होगा, तो हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे और चेक करेंगे कि टमाटर सॉफ्ट हुआ या नहीं। 2-3 मिनट हो गया है, हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। उसे सभी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, इसे भी ऐड करके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें करना है वो हमें मेथी इसमें ऐड करना है। जो मेथी हमने ऑलरेडी पका के रखा है वो हम इसमें डाल देंगे। तो हमने यहाँ पर मेथी ऐड कर दिया है। मेथी को अच्छे से मिक्स कर देंगे सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ, और हम इसे बस 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे क्योंकि सभी इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी पके हुए हैं। हम मेथी को अच्छे से मटर और सब मसाला जो भी ऐड किया है उसमें अच्छे से पकाएंगे ताकि उसका जो स्वाद है, मसालों का स्वाद उसमें अच्छे से आ जाए मेथी में। हम इसे बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे ताकि कोई भी इंग्रेडिएंट जले नहीं, और जो भी मसाला ऐड किया है हमने और जो भी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं सबका बहुत अच्छा फ्लेवर आए। 3 से 4 मिनट हो गया है, हमारा बढ़िया सा स्वादिष्ट सा मेथी का साग रेडी है। आप देख सकते हैं दिखने में कितना बढ़िया लग रहा है, कितना कलरफुल लग रहा है, और स्वाद इसका तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक प्लेट पर निकाल लेंगे। ये पूरा तरीके से रेडी है, आप इसे ऐसे भी खाएं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बट इसका टेस्ट और भी ज़्यादा एनहांस करने के लिए हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़का पैन में हम 1 चम्मच घी ऐड करेंगे, उसमें हम 7-8 लहसुन ऐड करेंगे और 1 लाल मिर्च। लहसुन और मिर्ची को बस 2 मिनट तक फ्राई करना है घी के साथ, और उसके बाद हम मेथी के साग पर ऐड कर देंगे। इसे साग का स्वाद और भी ज़्यादा दुगना हो जाता है। टेस्टी और हेल्दी साग का रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।